हेलो अचीवर्स वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने वहां पे मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बीच का जो डिफरेंस है और उनके जो मीनिंग्स है हमने उस प्रीवियस वीडियो में हमारे वो कवर किया है आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देखो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं हम वहां पर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को हम मार्क्स में डिस्क्राइब करते हैं यानी कि एक स्टूडेंट ने किसी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स स्कोर किया है हम वहां पे मेजरमेंट में इसकी बात करते हैं असेसमेंट में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा कैसा चल रहा है हमें असेसमेंट में ये पता लगता है असेसमेंट में हम ये देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है और कितने इंप्रूवमेंट की अभी नीड है प्लस हम असेसमेंट में एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं या तो उसी स्टूडेंट के प्रीवियस परफॉर्मेंस से या फिर एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर और इवेल्युएशन का मतलब होता है जजमेंट पास करना इस स्टेज पे यानी कि इवेल्युएशन की स्टेज पर हम एक जजमेंट पास करते हैं कि हमारा टीचिंग लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो कितना फुलफिल हुआ है यानी हमारा जो टीचिंग लर्निंग का जो अचीवमेंट है क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है कंप्लीट हम यहाँ पे स्टूडेंट के फाइनल अचीवमेंट के बारे में हम यहाँ पे जजमेंट पास करते हैं आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड लेक्चर देखो टाइप ऑफ टूडेक्शन है ना वो डिपेंड करता है कि हम किस बेसिस पे इवेल्युएशन कर रहे हैं यानी कि हम इवेल्युएशन क्यों कर रहे हैं हमको ये जो हम जजमेंट पास कर रहे हैं हम किस बेसिस पे और हम किस लिए जो है हम ये लिएशन कर रहे हैं हमारा टाइप ऑफ इवेलुएशन जो है वो इस पे डिपेंड करता है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो फेजेस में होता है यानी कि वो कुछ स्टेजेस है उसी स्टेज वाइज जो है हमारा इंस्ट्रक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है ना वो चलता है तो हमारे इवेल्युएशन पे इवेल्युएशन जो हम फेजेस के बेस पे करते हैं उसमें तीन इंस्ट्रक्शन आते हैं यानी कि तीन फेजेस आते हैं देखो सबसे पहला होता है बिफोर इंस्ट्रक्शन फिर आता है हमारा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और हमारा लास्ट आता है पोस्ट इंस्ट्रक्शन बिफोर इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन देखो आपको बिफोर से ही समझ में आ रहा होगा कि ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जो हम इवैल्यूएशन करते हैं ना उसे हम बिफोर इंस्ट्रक्शन कहते हैं जिसके अंदर आता है हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ये इवैल्यूएशन बेसिकली इसलिए किया जाता है टू नो द एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर यानी कि एक लर्नर तो हमारे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का पर्पस यही होता है कि एक लर्नर का एंट्री बिहेवियर पता कर सके जिससे हमें यह पता लग सके कि जो हम लर्नर को आगे इंस्ट्रक्शन देने वाले यानी हम आगे जो लर्नर को पढ़ाने वाले हैं उससे पहले स्टूडेंट्स के अंदर उस लर्नर्स के अंदर उनकी कितनी नॉलेज है उनके अंदर क्या स्किल्स है यह हमको बिफोर इंस्ट्रक्शन पता लग सके इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है टू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस देखो प्लेसमेंट इवेल्युएशन जो है ना वो दो तरीके से की जाती है पहला एग्जाम्पल है एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप नेट का एंट्रेंस एग्जाम दोगे आप क्यों दे रहे हो ये एग्जाम देने से ये पता लगेगा कि क्या आप एलिजिबल हो या क्या आप के पास इतनी नॉलेज है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको या आप रिसर्च फील्ड में जा सको हमको प्लेसमेंट इवेल्युएशन से ये पता चलता है तो इसलिए इसके अंदर एक आता है हमारा एंट्रेंस एग्जाम या सेकेंड चीज प्लेसमेंट इवेल्युएशन लर्नर्स की प्रायर नॉलेज को जानने के लिए भी किया जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में टीचर कोई लेसन स्टार्ट करने वाली है तो लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर टीचर जो है एक स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके अगर उनके प्रायर नॉलेज को चेक करें, तो यह भी हमारा प्लेसमेंट इवेल्यूएशन से आ, के अंदर आता है जिससे टीचर को यह पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को यह चीजें आती है अब हम आगे इनको क्या पढ़ा सकते हैं या हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आई होप यह आपको क्लियर हो गया होगा हमारा सेकेंड स्टेज होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन का जो बेसिकली हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है यानी कि इस स्टेज में इस स्टेज पे इवेलुएशन करके हमको ये पता लगता है कि लर्निंग जो है वो कैसी चल रही है यानी हाउ द लर्निंग इज गोइंग ऑन तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो दो तरीके से इवेल्युएशन किया जा सकता है एक होता है फॉर्मेटिव एंड द अदर वन इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन अब एक चीज मुझे यहाँ पे और क्लियर करनी है देखो बहुत जगह पे ना फॉर्मेटिव इवेल्युएशन फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी आता है सो प्लीज नेवर गेट कंफ्यूज क्योंकि हर जगह पर इवैल्यूएशन और असेसमेंट को ना इन वर्ड्स को इंटरचेंज करके ना कई जगहों पे यूज किया गया है इससे देखो हमको सिर्फ समझना ये है कि जहां पे असेसमेंट की बात आती है तो असेसमेंट का मतलब होता है ये ड्यूरिंग द कोर्स ये ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो हम असेसमेंट करते हैं ना ये वहां होता है लेकिन जो हमारा इवेलुएशन होता है ये होता है हमारा फाइनल आउटकम ये हमारा फाइनल जजमेंट होता है ये डिफरेंस आप याद रखना लेकिन अगर कभी फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा हुआ मिले या डायग्नोस्टिक असेसमेंट लिए तो आप कभी ना कंफ्यूज नहीं होना आपको सिर्फ मीनिंग ध्यान रखना कि असेसमेंट क्या बात कर रहा है और इवेल्युएशन किसके बारे में बात कर रहा है क्योंकि ना बहुत बुक्स में इवेल्युएशन और असेसमेंट को जो है ना वो एक ही सेम मीनिंग उनकी दी हुई है इसलिए ये चीज आप ध्यान रखना तो जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है ना वो ड्यूरिंग द कोर्स किया जाता है इसे हम इंटरनल वैल्यूएशन भी कहते हैं ठीक है यहाँ पे हमारा जो कोर्स है हम जो भी जो हमको इंस्ट्रक्शन instruction, दी जा रही है उसके कंप्लीट होने से पहले हमको जो इवेल्युएशन किया जाता है वो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है यहाँ पे हमको देखो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में हमको है ना एक हमारे टीचिंग लर्निंग के बारे में ना फीडबैक मिलती है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है क्या इंप्रूवमेंट हुई है या क्या इंप्रूवमेंट की नीड है ये सब चीजों को हम फॉर्मेटिव में मॉनिटर करते हैं ये हमारा जो है एक फीडबैक हमें ये प्रोवाइड करता है और कंटिन्यूस फीडबैक मिलने की वजह से एक प्रॉपर मॉनिटर होने की वजह से ये हमारे पेस ऑफ लर्निंग को ना ये एक्सेलरेट करता है देखो कैसे एक्सेलरेट करेगा ये हमें क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम प्रॉपर हम जो है ना ये हम हम देख रहे रहे हैं हैं कि कि हमारी जो है 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 उसको कर जिससे हमें ये समझ में आ रहा के के अंदर क्या improvement हुई है? या students के अंदर क्या हुई या कितनी improvement की अभी need है? है ना तो इससे क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यानी हमारी लर्निंग जो है उसकी स्पीड जो है उसका पेस जो है वो बहुत अच्छा चलेगा और अगर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे भी क्या होगा इससे जो है ना हमें ये भी इस स्टेज में जो है समझ आ जाता है यानी हमारे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर इट री इनफोर्सेज लर्निंग अमाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे री इनफोर्स कैसे होता है कि अगर क्लास में अगर हम स्टूडेंट को कुछ लेसन एक्सप्लेन करने के बाद अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर इसका मतलब क्या हुआ हमारा ये जो है टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है यानी वो सक्सेसफुल चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे ना उनके अंदर क्या होगा उनको एक अप्रिसिएशन मिलेगा वो क्या है वो और ज्यादा फिर आगे जो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एंड जो स्टूडेंट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हु आर नॉट एबल टू गिव हैं तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे उनको ये लगेगा अगर उनको हम पनिश करेंगे या अगर हम उनको डांटेंगे या समझाएंगे तो उनको कैसा लगेगा कि नहीं अब नेक्स्ट टाइम हमको क्लास में ना अच्छा परफॉर्म करना है अदरवाइज हमको पनिशमेंट मिलेगी इसलिए यहाँ पे जो है ना फॉर्मेटिव इवेल्यूशन में क्या होता है इट री एनफोसिस लर्निंग अमोंग स्टूडेंट्स इसका देखो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा क्लास टेस्ट मंथली टेस्ट क्लास में जो डिस्कशन होता है है ना टीचर जो क्लास में ऑब्जर्वेशन करती है ये सब हमारे फॉर्मेटिव के अंदर आता है है क्योंकि देखो जो क्लास टेस्ट होता मंथली टेस्ट होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं हम सिर्फ स्टूडेंट्स के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है हम यही देखते हैं हम यहाँ पे जजमेंट पास नहीं करते ना मंथली टेस्ट में या क्लास टेस्ट में कि स्टूडेंट पास हो गया या फेल हो गया है ना इसलिए जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा एंड डायग्नोस्टिक आता है, ये जो है हम इसे हम, हम, हम यहाँ पर, पर उसे चेक करते हैं नेक्स्ट हमारा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन का ही जो पार्ट है वो है देखो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में ये हमेशा याद रखना ये जो है ना इट आइडेंटिफाइज द लर्निंग डिफिकल्टीज स्टूडेंट के अंदर लर्निंग के स्टूडेंट्स को लर्निंग के अंदर क्या डिफिकल्टीज्नोस्टिक्नोस्टिक साथ साथ से पता लगता है जिससे क्या होता है उनके उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग में वो हम यहाँ पे इजिली डायग्नोस कर पाते हैं देखो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी जो है ना वो दो चीज के लिए किया जाता है एक तो पहले टीचर क्या करेगी क्लास में जो है बिफोर दी इंस्ट्रक्शन यानी क्लास में कुछ भी पढ़ाने से पहले टीचर क्या करेगी एक कुछ क्वेश्चन आंसर्स या क्विज लेगी क्लास में या एक टेस्ट रख लेगी जिससे टीचर को यह पता लगेगा कि स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज क्या है स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज क्या है कि स्टूडेंट्स को कितना मालूम है मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ उसके बारे में स्टूडेंट्स को कितना पता है उससे हमको ये समझ में आ जाएगा इस से कि स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज क्या है फिर हम उसके अकॉर्डिंग उनके नीड की अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे है ना अगर उस, अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ अगर मैं आपका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करती हूँ बिफोर स्टार्टिंग दि टॉपिक तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इनको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है या अगर कुछ पता है तो मैं आगे कहाँ से स्टार्ट करूँ यानी जो आपको नहीं पता है मैं वहां से स्टार्ट करूँ ठीक है या फिर जो आपको ऑलरेडी पता है उसके अंदर जो गैप्स है मैं उसको फिल करूं एक होता है ये और सेकेंड हमारा होता है कि लर्नर को क्या डिफिकल्टीज आ रही है जो हम पढ़ा रहे हैं उसे समझने में ये हमें पता लगेगा फॉर एग्जांपल देखो अभी आ, हम हम जब क्लास में मैथ्स करते थे तो उसमें होता था ना हमेशा अलजेब्रा में एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 तो जैसे-जैसे वो पॉइंट बढ़ता जाता था हमारा डिफिकल्ट लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाता था तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अगर क्लास में अगर मैंने अलजेब्रा पढ़ाया है जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 जो है ना 5 मार्क्स ईच एक्सरसाइज का मैंने टेस्ट रखा है जिससे मैंने तीनों एक्सरसाइज दी है अब मैं ये देखूंगी कि एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में स्टूडेंट ने तो फाइव आउट ऑफ फाइव स्कोर किए लेकिन जो 2.3 है वहां पे उनको जीरो मिला है ठीक है तो मुझे ये समझ आएगा कि 15 में से उनको सिर्फ 10 मार्क्स मिला है अब यहाँ पे मुझे ये समझ आ जाएगा कि देखो स्टूडेंट ने दो एक्सरसाइज में तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फिर भी उनका स्कोर जो है कम क्यों आया तो यहाँ पे मैं ये डायग्नोस कर पाऊंगी कि स्टूडेंट को जो है एक्सरसाइज तो समझ में आ गई है लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी जो डिफिकल्टीज है वो डिफिकल्ट लेवल यानी एक्सरसाइज 2.3 में आ रही है तो so यहाँ पे डायग्नोस हो पाएगा ना इसलिए इसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक और हम डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है ना ये हमारा फ्लेक्सिबल जो है ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो लर्नर्स की डिफिकल्टीज आपको समझ में आ गई है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे अब आप उनको उसके अकॉर्डिंग टीच करोगे जिससे उनको चीजें समझ में आए

हमारा लास्ट फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन का इवेलुएशन आता है सबमेटिव इवेलुएशन सम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये टोटल की बात करता है ये टोटल इवेलुएशन की बात करता है इसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं जहां पर हमने जो पढ़ाया है जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुई है वो उसका ऑब्जेक्टिव कितना फुलफिल हुआ है टीचिंग लर्निंग से अचीवमेंट एक स्टूडेंट में कितनी हुई है हम यहाँ पे वो इवेल्युएट करते हैं इसे हम एक्सटर्नल इवेलुएशन भी करते हैं ये हमेशा एंड ऑफ कोर्स में किया जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में सेमेस्टर होते हैं ना तो फर्स्ट सेमेस्टर से आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए प्रमोट हो रहे हो यहाँ पे ये इसकी बात करता है हमारे फाइनल एग्जाम हमारा बोर्ड एग्जाम यानी कि जहां पे भी आपके परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस के ऊपर जजमेंट पास होता है कि ये स्टूडेंट ने अचीव कर लिया अब ये नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया ठीक है है ये आता है हमारा सबमेटिव इवेल्युएशन पे जो बात करता है अचीवमेंट की कि हमारे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कितना सक्सेसफुली उसके ऑब्जेक्टिव जो है हमने एज अ लर्नर ने अचीव कर लिया है सबमेटिव इवेल्यूएशन को भी कई बुक्स में सबमेटिव असेसमेंट लिखा हुआ है सो प्लीज यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना असेसमेंट इवेल्युएशन के बीच में हर जगह ये कंफ्यूजन दिया हुआ है लेकिन आप क्लियर रखो वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने इन डिटेल इसका मीनिंग का डिफरेंस समझाया हुआ है आई होप आपको ये लेक्चर आज का बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेटिव लेक्चर को आप शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग